हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज जो आप लोगों का DTU LEET 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है, तो गाइस DTU LEET 2021 का एप्लीकेशन किस तरह से फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है और ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी नया अपडेट या नोटिफिकेशन रिलीज होता है DTU LEET का तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करके आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस एप्लीकेशन फिल करने के प्रोसेस को। सिंपली डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगी, उस लिंक पे क्लिक करना है, इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं DTU LEET 2021 एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज, आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। थोड़ा नीचे आने पर यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑफिशियल लिंक भी दिखाई देगी, क्लिक टू अप्लाई रजिस्टर, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जिससे कैसे आप लोग उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करते आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे गए सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना होगा। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली अपना नाम एंटर कर देना होगा। नाम एंटर करने के बाद गैस यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों को जो अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देना है। तो गैस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मेरा मेल एड्रेस एंटर कर दिया, आपको अपना वैलिड मेल एड्रेस एंटर करना होगा। देन आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और यहाँ पे जो है गैस अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को एक पासवर्ड सेट कर देना होगा और फिर सिंपली आई एम नॉट ए रोबोट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रीन टिक हो जाएगा, उसका सिंपली आप एंटर पे क्लिक कर देना होगा। जैसे गाइस आप लोग एंटर पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका जो अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे लॉगिन करने कहा जा रहा है, तो लॉगिन के लिए अगेन आप लोगों को सिंपली यहाँ पे जो है आपका जो ईमेल एड्रेस एंटर किया था वही ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको एंटर कर देना होगा। और ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद जो पासवर्ड आपने सेट किया था अपने प्रेफरेंस के, अपने चॉइस के हिसाब से पासवर्ड एंटर करके सिंपली यहाँ पे एंटर पे आपको क्लिक कर देना होगा। इससे कैसे आप लोग यहाँ पे दोनों डिटेल्स फिल करके एंटर पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं आप लोग अपने प्रोफाइल में लॉगिन हो जाएंगे। अब कैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे DTU यानी कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के बारे में चाहे तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और भी चीज़ें देख सकते हैं कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है यहाँ पे देख सकते हैं। जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे लास्ट डेट भी दे दी गई, एप्लीकेशन फी और यहाँ पे जो है आप लोगों को पूरी डिटेल दे दी गई है। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्टली उसे सेलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई करके उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को जो है जितने भी एप्लीकेशन आपने फिल करेंगे यहाँ पे माय एप्लीकेशन के अंदर वो सारे के सारे एप्लीकेशन आपको बता दिए जाएंगे। सो गाइस आई होप कि भी आपको कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं होगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। आपको मैंने बता दिया जिस भी कोर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, सिंपली वो कोर्स यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा, अप्लाई पे क्लिक करना, उसका एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। इनके सभी कोई प्रॉब्लम फेस होती है, कोई भी हेल्प चाहिए डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा और वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नॉलेजेबल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।